आज एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है, लेकिन आज के इस मुकाबले पर बारिश का खतरा बना हुआ है। आज मौसम पूर्वानुमान में कैंडी में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। कई रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि आज बारिश के कारण यह मुकाबला रद्द भी हो सकता है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि आज अगर भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला रद्द हो जाता है तो फिर कौन सी टीम सुपर चार में पहुंचेगी और भारत के लिए सुपर चार में पहुंचने के लिए कितनी संभावनाएं बची रहेगी। भारत को सुपर चार में पहुंचने के लिए फिर क्या करना होगा, इन्हीं सब बातों की जानकारी यहाँ हम आपको देने आए हैं। अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला रद्द हो जाता है तो भारत और पाकिस्तान को इस मुकाबले से एक एक अंक मिलेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की टीम ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में नंबर वन बनी रहेगी और पाकिस्तान की टीम सुपर चार के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इस मैच के रद्द होने के बाद भारत के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भारतीय टीम नेपाल को हर हाल में हरा दे, क्योंकि नेपाल की टीम अगर भारत को हरा देती है तो फिर वह पॉइंट टेबल में भारत से आगे निकल जाएगी और ग्रुप ए से पाकिस्तान के साथ नेपाल की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रद्द भी हो जाता है तो इसकी संभावना बहुत कम है कि अनुभवहीन नेपाल की टीम भारत को हरा दे।